मुलायम अखिलेश की सफाई में अराजकता, किसने जबरन मुड़वा दिया 150 मेडिकल स्टूडेंट्स का सिर। देखिए द इंडियन ओपिनियन की स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में दिख रहा यह नज़ारा आपको फिल्म 3 इडियट के नज़ारे से मिलता जुलता नजर आ रहा होगा। उस फिल्म में जूनियर छात्रों से रैगिंग करवाई गई थी और जहां पना तोहफा कबूल करो, इस तरह का डायलॉग भी बुलवाया गया था। फिल्मों में मनोरंजन के लिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन असल ज़िंदगी में इससे भी भयानक सच्चाई का सामना किया है सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के छात्रों ने। इस नज़ारे में आप साफ देख रहे हैं कि सैकड़ों छात्रों का सिर मुंडवा दिया गया है और दबंगों को वह सलामी देते हुए परेड कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के पैतृक गांव और समाजवादियों के सपनों की नगरी सैफई इन दिनों फिर चर्चा में है। सैफई PGI के नाम से चर्चित उत्तर प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में देश के अलग अलग क्षेत्रों से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आने वाले युवा छात्रों को इन दिनों ऐसी गुंडागर्दी का सामना करना पड़ रहा है कि वह खुलकर अपना दर्द भी किसी से नहीं बता पा रहे हैं। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर MBBS के 150 जूनियर छात्रों को दबंगों ने जबरन सिर मुड़वा दिया और उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया कि वह परेड करते हुए दबंगों को सलामी देते हुए कैंपस से गुजरे। युवा छात्रों के मानवाधिकारों के ये हनन या घटना सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगातार दोहराई जा रही थी। इस घटना का वीडियो मीडिया के जरिए जब सामने आया तब सरकारी अमला नींद से जागा। इटावा के DM JB सिंह ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और उनकी यह जांच में यह बात साबित हुई है कि सैफई PGI मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रशासन लापरवाही बरत रहा है और सैफई में तैनात वाइस चांसलर और उनके अधिकारियों की लापरवाही से परिसर में अमानवीय रैगिंग की घटनाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि छात्र इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि वह शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं वाइस चांसलर द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट में पूरे मामले में लीपापोती कर दी गई है और जबरन सभी पीड़ित छात्रों से यह लिखवाकर दस्तखत करा लिया गया है कि वह उनके साथ कोई रैगिंग नहीं हुई है, उन्होंने अपनी इच्छा से अपना सिर मुड़वा लिया है। यह बात किसी के गले भी नहीं उतरती कि MBBS के जूनियर छात्रों ने एक ही साथ इकट्ठे होकर क्यों अपना सिर मुड़वा लिया, 150 छात्रों ने एक साथ इकट्ठे होकर क्यों अपना सिर मंगवाया। इस बात का जवाब सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रशासन भी नहीं दे पा रहा है, जबकि सभी जानते हैं कि मेडिकल छात्र अपने फैशन को लेकर और स्मार्ट दिखने को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इटावा का जिला प्रशासन भी यह पता नहीं कर पाया कि MBBS के 150 छात्रों का सिर आखिर किसने मुड़वा दिया। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैफई PGI के MBBS छात्रों के साथ जो हुआ है उसे रैगिंग कहा जाए या फिर सैफई के दबंग और गुंडों के द्वारा की गई आपराधिक घटना। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में सैफई गांव के स्थानीय निवासी कर्मचारी और अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने वहां अपना गिरोह बना लिया है जो कि दबंगई, मनमानी और गुंडागर्दी की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि छात्रों के साथ हुई इस वारदात में कुछ बाहरी तत्व भी शामिल हैं और कुछ परिसर के वरिष्ठ छात्र भी शामिल हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर एक बार फिर सैफई की बदनामी पूरे देश में हुई है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के द्वारा खासतौर पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सैफई ग्राम पंचायत में सैफई PGI के रूप में राष्ट्रीय स्तर का यह संस्थान स्थापित किया गया था। निश्चित तौर पर यह संस्थान आज भी कम खर्च में हजारों गरीबों को बेहतर इलाज मुहैया करा रहा है, लेकिन यहाँ पर अनुशासनहीनता, अराजकता और गुंडागर्दी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कड़क शासन में भी सैफई में अराजकता पर कोई रोक नहीं लग रही है और यही वजह है कि सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को इस तरह की गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ रहा है। द इंडियन ओपिनियन के लिए देवव्रत शर्मा के साथ रवि कुमार की रिपोर्ट।